फिजिकली और मेंटली हजार गुना ज्यादा मजबूत हूँ। अब वकीलों को मारा, सरकारी अमले को मारा वहां से, और उसे जोर से पकड़ के लेकर गए, जो अगर उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया तो कौन सी क़यामत आ गई। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है। मुखालफीन अक्सर छोटे लोग हैं, इनका मैं जवाब देना भी मुनासिब। अच्छा सर, आ रहे माशाल्लाह, जो चार साल झूठ बोलते रहे हैं कौम से और मुल्क से और अदालतों से फ्रॉड करके गए हैं, करीब करीब आकर जो है वो इनका कोई ना कोई प्लेट्स जो है गिर जाएंगे, और तो मुझे तो नहीं लगता आ रहे हैं। अभी देखें, अभी तो 21 तारीख में बहुत सारे दिन हैं भाई, 10। तो साहब गुजारिश ये है कि टीम का कप्तान तो हमेशा एक होता है और वही फैसला अच्छा करता है, मगर आपकी सुप्रीम कोर्ट के 3 कप्तान मुकर्रर हो गए हैं, तो क्या आप देख रहे हैं अब इंसाफ बढ़ेगा, इंसाफ ज़्यादा मिलेगा लोगों को, या ये 3 कप्तानों के दरमियान ही मामले चलते रहेंगे? अब नहीं, देखें ये कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर आप एक की बजाय अगर 3 आ गए, ठीक है वो एक कॉन्टेस्ट था, लेकिन ये इतनी मुतनाज़ा बात नहीं है कि अगर 3 बैठकर फैसला करेंगे कौन कौन सी बेंच बननी है और क्या इसको सुओ मोटो लेना है, किसी मामले को वो पब्लिक नौइयत का और बुनियादी हकूक से माखज़ है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं नहीं समझता कि एक होता चीफ जस्टिस करता था तो उस पर तनकीद होती थी, अब कम अज़ कम अब जो भी तनकीद होगी उसका शाखसाना 3 के ऊपर तो होगा, तो ये ऐसा मसला नहीं है। सर जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मुस्लिम लीग ही कह रहे हैं कि ये टारजन की वापसी है, क्या आपको ये टारजन की वापसी नजर आ रही है? आ रहे आ रहे, पहले तो मुझे तो नहीं लगता आ रहे हैं। अभी देखें, अभी तो 21 तारीख में बहुत सारे दिन हैं भाई, 10 दिन बाकी हैं, ये किसी वक्त भी आप देखें करीब करीब आकर जो है वो इनका कोई ना कोई प्लेट्स जो है गिर जाएंगे, और ऐसी रिपोर्टें लेना तो बड़ी आसान बात है इनके लिए। माशाल्लाह, जो 4 साल झूठ बोलते रहे हैं कौम से और मुल्क से और अदालतों से फ्रॉड करके गए हैं, 1 महीने के लिए कह कर गए हैं और 4 साल वो 1 महीना पूरा नहीं हो रहा, ये भाईजान वापस चले जाएंगे, इसलिए कि इन्होंने एक वो छोड़ा था, एक फीलर छोड़ा था, और वो इन्होंने देख लिया है कि यहाँ लोग जो है इनकी इंतजार कर रहे हैं, ये आए और जूतों का हार पहनाएं। खोसा साहब, पंजाब पीपल्स पार्टी आप पर बड़े तहफुजात कर रही है, उनका कहना है कि खोसा साहब भट्टो साहब की फांसी वाले वकीलों में शामिल थे और खुशी की थी इन्होंने, और दूसरा ये कहते हैं कि जितने केस खोसा साहब ने लड़े हैं वो बिल्कुल रेत पे फीस लेते थे पीपल्स पार्टी से, कोई केस इन्होंने कभी फ्री नहीं लड़ा, इनकी कोई हमारी पार्टी के लिए खिदमत नहीं है, ये पंजाब पीपल्स पार्टी का मौकूफ है सर। वो किसकी बात करते हो यार, मैं इनको ये पैदा नहीं हुए थे जब से मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, भुट्टो साहब के साथ मैं स्टूडेंट लाइफ से हूँ, इसलिए इनकी किसी बकवास का मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कौम का कोई बंदा ये नहीं मानेगा, भुट्टो साहब के साथ मैं पहले दिन से आया हूँ, मैंने आज तक इधर उधर नहीं देखा है, तो ये बड़ी घटिया बात है कि मैं कहूं कि मैंने फीस नहीं ली, जो कि मैंने नहीं ली इनके किसी केस में, मुझे सफाइयां देने की माफ़ कीजिएगा ज़रूरत नहीं है, और इनके छोटे लोग हैं, इनका मैं जवाब देना भी मुनासिब। अच्छा सर, देखें ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो 1923 का जो ताजे बरतानिया लेकर आई थी वो आपको ग़ुलाम रखने के लिए किया था, और आजकल के आज़ाद पाकिस्तान में उसकी कोई जवाब नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई ऐसा, इसके सारे मुंदरजात जो ले लें, डोनाल्ड लू ने कहा कि हमारे जो है एम्बेसडर को कि अगर आप वज़ीर आज़म को निकाल देंगे यानी इमरान खान को तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, मुझे आप ही बता दें इसमें आपका कौन सी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है भाई, और कौन सी तनसीबात हैं जो दुश्मन के हाथ में आपने राज दे दिया है, इसमें शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है। मुखालफीन अक्सर एतराज़ करते हैं सानहा 9 मई के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि 9 मई का सानहा प्लांटेड था, या इसके पीछे जिस तरह के अभी जो है फैसल बावड़ा का भी बयान सामने आया, सदाकत अब्बासी का भी बयान सामने आया, तो केस में इन बयान की कितनी कानूनी हैसियत है? कोई हैसियत धेले की नहीं, ये ऑर्केस्टर्ड था 9 मई का सानहा। मुझे बताएं 9 मई के सानहे की बात करते हैं, जो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से ये रेंजर्स ने जाके गिरफ्तार किया जी, और उसको रफ अप किया, वकीलों को मारा, सरकारी अमले को मारा वहाँ से, और उसे ज़ोर से पकड़ के लेकर गए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आइनी गैर कानूनी आपने पकड़ा, उसको मजम्मत क्यों नहीं करते?
उसकी मजम्मत भी तो करो ना कि रेंजर्स कौन होते थे पहले जाके पकड़ा है उसे, अदालत के अंदर से पकड़ के उसे जो है गिरफ्तार किया है, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? फिर उसका रिएक्शन तो जो टाइगर्स थे उनकी फोर्स थी, अगर उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया तो कौन सी क्यामत आ गई? नहीं, गुस्से का इतराज और चीज है, लेकिन वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, ऑर्केस्ट्रेटेड था वो, ऑर्गेनाइज वो जानबूझकर एक पूरा शाखसाना बनाया गया ताकि पीटीआई को क्रश किया जाए। इमरान खान की अगर रिहाई होती है तो मुल्क की मईशत में कितना अहम किरदार अदा करेगी? देखें, अगर इमरान खान को ये फ्री हैंड देते हैं तो 1 करोड़ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यकीन करें वो निछावर होने को तैयार है, और ये तमाम IMF की जितना कर्जा है ना वो उतार देंगे अगर इमरान खान इन पावर। रिसेंटली जब खान साहब की आपकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के जो बयान थे खान साहब, क्या अभी भी उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है? क्या वो लगते हैं मजबूत हैं या पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए? वो कहते हैं कि ये जो 2 महीने की मुझे इन्होंने पाबंदी की है, जेल में रखा है, मैं उससे स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली 1000 गुना ज्यादा मजबूत हूँ, 1000 गुना ज्यादा। साथी छोड़ जाएंगे पार्टी से तो फिर खान साहब अकेले क्या करेंगे? ओ भाई, सारे भी छोड़ जाए ना तो अवाम पाकिस्तान के जरा गम और गुस्से को देखो। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन जब तक इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्शन अगर नहीं करवाएंगे तो कितना ताबक कि कब तक भागेंगे ये इलेक्शन? निगरान वज़ीर आज़म तो कहते हैं जनवरी में इलेक्शन जो है करने चाहिए, होने चाहिए और होंगे। मैं कह रहा हूँ देखें इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, और कोई खान को नहीं रोक सकता, ये 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जोर और ताकत से बनेगा। क्या पीटीआई की पार्टी अगले इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी? क्या उसके बगैर इलेक्शन ही नहीं होगा?